आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय वचन 1 से 21। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहुआ ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी, और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्भे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराए न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दन अराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया और उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुँह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया।